फेमस राइटर, पोएट और गीतकार प्रसून जोशी का बर्थडे है। 16 सितंबर 1971 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे प्रसून शुक्रवार को 45 साल के हो गए। फिल्मों में गीत लिखने से पहले उन्होंने कोका कोला, मास्टर कार्ड, नेस्ले और हैप्पीडेंट जैसे कई ब्रांड के लिए स्क्रिप्ट लिखी। गीतकार के रूप में राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा से शुरुआत करने वाले प्रसून हम तुम, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, ब्लैक, दिल्ली 6, लंदन ड्रीम्स और सत्याग्रह जैसी कई फिल्मों के लिए गाने लिख चुके हैं और साथ ही कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। गणेश विसर्जन के दौरान गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने टीवी पत्रकार से हाथापाई की। मीडिया में आई खबर के मुताबिक जब रणबीर कपूर, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर अपने घर से निकले तो पत्रकारों ने उनकी फोटो लेनी शुरू कर दी और ज्यादा भीड़ की वजह से धक्का मुक्की होने पर ऋषि आसपास खड़े मीडिया के लोगों से भिड़ गए। इसी दौरान रणधीर कपूर ने पास में खड़े एक व्यक्ति को थप्पड़ भी जड़ दिया। मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें रणधीर और ऋषि सबको थप्पड़ मार रहे हैं। यहां तक कि जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तब उन्होंने एक टीवी पत्रकार को जोरदार धक्का मारा। सुशांत सिंह राजपूत का कहना है कि क्रिकेट खेलने के अपने हुनर और हेलीकॉप्टर शॉट के लिए दुनिया भर में मशहूर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभिनय के क्षेत्र में भी उतने ही प्रतिभावान हैं। महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह भारतीय कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं। सुशांत का कहना है कि माही एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है और धोनी अगर कभी बॉलीवुड में आने का फैसला करते हैं तो अन्य एक्टर्स को अलग करियर के बारे में सोचना पड़ सकता है। साजिद नाडियाडवाला की फिल्म जुड़वा 2 29 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। इस फिल्म में एक्टर वरुण धवन डबल रोल में दिखेंगे। ये फिल्म 1997 की हिट कॉमेडी फिल्म जुड़वा का सीक्वल है। इस फिल्म में सलमान खान लीड रोल में नजर आए थे। आपको बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन पहली फिल्म की तरह डेविड धवन ही करेंगे। रिलीज की तारीख वरुण ने ट्विटर पर साझा की। काफी टाइम से मीडिया के साथ अच्छा बर्ताव करती नजर आने वाली कटरीना एक बार फिर से मीडिया से बचती नजर आई। दरअसल कटरीना को मुंबई से लंदन के लिए रवाना होना था। वहां मीडिया पर्सन पहले से ही एयरपोर्ट पर कैट का वेट कर रहे थे। कटरीना जब एयरपोर्ट पहुंची तो मीडिया पर्सन को देखकर उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा जब तक मीडिया वहां से नहीं जाएगी वो अपनी कार से बाहर नहीं आएंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट में पहली बार परफॉर्म करेंगी। सोनाक्षी ने इसके लिए रिहर्सल भी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करके दी। एल्बम एल्कोहलिक से सिंगिंग के क्षेत्र में कदम रखने वाली सोनाक्षी ने म्यूजिक फेस्टिवल में अपनी 40 मिनट की प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस फंक्शन में सोनाक्षी इश्कोहलिक, जोगिया और रज रज के सॉन्ग पर परफॉर्म करती नजर आएंगी। विद्या बालन के बाद अब एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना किसान बीमा योजना का प्रचार करते नजर आएंगे। बुधवार को नवाजुद्दीन मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सरकार की इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद नवाज ने कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूं और मुख्यमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसी योजना की शुरुआत की। आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल अभी से खूब लाइमलाइट में है। फिल्म की एक और खास बात पता चली है कि फिल्म के गाने में दलेर मेहंदी की आवाज सुनाई देगी। दलेर मेहंदी ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने दंगल फिल्म का टाइटल ट्रैक गाया है। आपको बता दें कि दंगल में आमिर खान हरियाणा के रेसलर महावीर सिंह फोगट के कैरेक्टर में नजर आएंगे जिसमें वो दो बेटियों के पिता का रोल कर रहे हैं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको के दूसरे सीजन में कई सीक्रेट्स देखने को मिलेंगे। वो इस बात को लेकर बेकरार है कि कब वो इन सीक्रेट्स को सभी के साथ शेयर करेंगी। क्वांटिको का पहला सीजन सक्सेसफुल रहा, दूसरा सीजन भी दर्शकों के बीच जल्द ही होगा। मेकर्स की ओर से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई है कि इस बार ऑडियंस को और ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। हॉलीवुड सिंगर माइली सायरस अपने म्यूजिक और रिश्तों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं, मगर इस बार मामला कुछ हटकर है। अब खबर है कि माइली अब कभी भी रेड कार्पेट पर नहीं लौटना चाहती। माइली का कहना है कि इस मामले में पूरा फोकस उन लोगों पर होना चाहिए जो वाकई में संघर्ष कर रहे हैं। सोर्सेज के मुताबिक रिंकिंग बॉल स्टार ने ये बात अपने फैंस के साथ शेयर की।